अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जो वक्तव्य दिए और उप मुख्यमंत्री सेक्स ज्ञान बांट रही है, बिहार को शर्मसार किया है। ये मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया है या दस्त भी कमजोर हो गया है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये व्यक्ति बिहार के अंदर सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। बिहार को शर्मसार और जातीय उन्माद पैदा करके बिहार में सिर्फ आग लगाना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री को हम स्वीकार नहीं करेंगे। माननीय बिहार के महिलाओं का माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको अधिकार नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने का, आपको अधिकार नहीं है। बिहार की जनता इनमें विश्वास करती है। माननीय नेता, संसदीय कार्य विभाग महोदय, आप सुनिए, आप सब कहे के लिए बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं। हम तो आपको बता देते हैं, हम आप लोगों का देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हमसे आज प्रेस वालों ने पूछा है तो हमने सफाई दे दी है। और आप जानते हैं कि कल आप सभी लोग मौजूद थे और सब यहां पर एकजुट थे, सभी एकजुट थे और सब लोगों की सहमति से सारा निर्णय लिया गया। एक एक निर्णय कल जो लिया गया सहमति से। और आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग पढ़ाई पर जोर देते हैं और महिलाओं की पढ़ाई पर कितना जोर दे रहे हैं। और कल ही हमने बता दिया कि छह साल तक में संख्या कितनी पहले से की तुलना में घट गई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जब लड़का लड़की में, लड़की अगर मैट्रिक पास है तो देश का प्रजनन दर दो, और बिहार में भी हम लोगों ने करवाया तो बिहार का भी पता चला दो। और अगर आप देश भर में अगर मैट्रिक से भी ज्यादा पति पत्नी में पत्नी है तो बाहर प्रजनन दर 1.7 और बिहार में लड़की की तो उसमें प्रजनन दर 1.6। आईसी में हमको यूरेका की खुशी हुई, कलम बोले और भी हमने महिलाओं पर जोर दिया। और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है? अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं, ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस सबको वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका
का अभिनंदन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए जो राज्य के हित में काम हुआ है, महोदय महोदय में इतना काम हुआ है, महोदय कोई कल ही कर दिया गया है, आपकी बराबर सारे सारे कानून आ रहे हैं महोदय, और सब कर दिया जाएगा, लोगों को सुविधा की जाएगी। आपके बराबर है, कोई मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के अपना निंदा नहीं किया है, ये लोग निंदनीय हो गए, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण। अब क्या बोल रहे हो, हमारे कोई शब्द पर एतराज है तो हम उसको वापस ले रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। जो आदमी, जो माननीय सदस्य टेबुल और कुर्सी निकालता है उसका नाम नोट कीजिए, नियमानुसार मैं उन्हें सदन से बाहर करूंगा। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। आप लोग जनता के काम नहीं करना चाहते हैं, यही मैसेज जा रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद ही यानी कि उन्होंने घेर लिया है और मुख्यमंत्री को लेकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर मुख्यमंत्री पूछते हुए कि भाई क्या कुछ है, और मुख्यमंत्री पत्रकारों की तरफ देखकर कि जिस तरीके से उन्होंने बोला है, और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई विधानसभा के अंदर की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचा है तो मैं इस बयान को वापस लेता हूं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेताओं का, बीजेपी सदस्यों का लगातार हो हंगामा जारी रहा, और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की जो कार्यवाही है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। तो लगातार बीजेपी के सदस्यों की तरफ से इस बयान को लेकर के विरोध जताया जा रहा था, और तस्वीरें जो सामने आई थी कि कुर्सियां उठा ली गई थी, और विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा भी कि जो कुर्सियां उठा रहे हैं और जिस तरीके से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उनका नाम हम जो है वो नोट कर रहे हैं। तो सदन के बाहर भी प्रेस के सामने माफी मांगी है और सदन के अंदर भी माफी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांगी है। सदन की जो कार्यवाही है वो दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, और विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात का भी जिक्र किया कि शायद बीजेपी के जो सदस्य हैं, विपक्ष के जो सदस्य हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता के काम है, उसको सदन के अंदर नहीं होने देना चाहते हैं। तो दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सदन की शुरुआत होते ही हंगामा बीजेपी विधायकों का देखने को मिला, खासकर के उस बयान को लेकर के, जो बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के दिया था, और उस बयान को लेकर ही लगातार विरोध जताया जा रहा था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा देखने को मिला, और सदन के बाहर भी जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे वैसे ही बीजेपी के जो विधायक थे वो गेट के सामने खड़े थे, और उस वक्त अंदर दाखिला नहीं हो पाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री बाहर निकले और बाहर जाके प्रेस के सामने भी इस बात को उन्होंने स्वीकारा कि मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, और अब दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दी गई है।